नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से वर्चुअल संवाद किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने लगन से कार्य किया है और यह उत्साह हमेशा बना रहे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह स्वयं रोजगार का अच्छा और सशक्त माध्यम है। समूह अपने उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दे, ताकि उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोरोना काल में प्रभावित होने के कारण 118 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि राहत पैकेज की घोषणा की, जिससे 7,54,984 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ललित, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर स्वयं सहायता समूहों से उन्होंने वर्चुअल संवाद किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आप बता रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के से वर्चुअल सीधे संवाद किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं द्वारा किया जा रहा है, उसको बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा यह संगठन जो है काफी अच्छा कार्य कर रहा है। जी जी तो ललित, जिस तरह से पूरा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे में कितने स्वयं सहायता समूह थे जो इस संवाद कार्यक्रम में सीएम के साथ जुड़े हुए थे? अभी आपको बता दें, इसमें कम से कम यहाँ से नैनीताल जनपद से 14 लोग जुड़े थे, 14 संगठन जुड़े थे, जिसमें लोकल नैनीताल के भी इसमें संस्थाएं जुड़ी थी। और इसके लिए 118 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि जो है राहत पैकेज की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और हमारे जो जिलाधिकारी है धीराज सिंह गर्बियाल जी, उन्होंने ये बताया कि जनपद में जो है 3,344 महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है अभी तक। जी जी, तो जिस तरह से आज पूरा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे में स्वयं सहायता समूहों को सीएम धामी की तरफ से कुछ सहायता प्रदान की गई है, वहीं उनको कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, तो ऐसे में उनको क्या कुछ सलाह दी गई है स्वयं सहायता समूहों को, जिससे कि वो आगे आने वाले दिनों में अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सके? जिन्होंने यही कहा कि इसके मतलब माध्यम से आप क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप मतलब अपना संचालित कीजिए जो भी कार्यक्रम है, जैसे कि आपका मसाला उद्योग हो गया, उसके मतलब जहाँ पे भी आप लोग वो करेंगे उसके लिए मैं मतलब तत्पर रहूंगा। ये मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी आप कार्यक्रम करें, जैसे कि अपना मुर्गी पालन हो गया, या क्या कहते हिलायंस से एक मतलब यहाँ पे समूह सहायता समूह के अंतर्गत जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, अन्य चीजें जैसे भी हो, उसके लिए मतलब मैं तत्पर रहूंगा करके ये चीजें उन्होंने इन लोगों को विश्वास दिलाया है। जैसे मसाला उद्योग हो गया, अन्य चीजें हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ललित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नैनीताल से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर धामी ने आपको बता दें कि सीएम धामी ने आज स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर उन्होंने वर्चुअली महिलाओं से बात की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को हरिद्वार पहुंचेंगे। नड्डा के 2 दिवसीय कार्यक्रम की पार्टी स्तर पर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनके साथ वो पूरा सैनिकों से संवाद और संतों का भी आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार दौरे पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में भाजपाइयों के द्वारा जोर शोर से तैयारियां इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर इस वक्त सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि इस वक्त जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने जा रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंतजार, जिस तरीके से हरिद्वार दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल,
देखिए मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी, उनका हरिद्वार दौरा, फिर उत्तराखंड का दौरा है 20 अगस्त को, कल यानी कि कल हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो शांतिकुंज सबसे पहले जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसके बाद शांतिकुंज हरिद्वार में पहुंचेंगे, जहाँ साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और जो पार्टी कार्यकर्ता है, जो विधायक, उनका रिपोर्ट कार्ड इनके द्वारा चेक किया जाएगा और जो अन्य रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर के वो साझा करेंगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। जी तो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के पहुंच रहे हैं 20 अगस्त को हरिद्वार, ऐसे में उनका 2 दिवसीय दौरा है, ऐसे में क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम इस वक्त उनके आयोजित किए जाने हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो जेपी नड्डा का जो हरिद्वार दौरा है, उत्तराखंड दौरा है, तो बताया जा रहा है कि हरिद्वार में 11 अलग अलग जगह बैठकें और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे वो अलग अलग सभाओं को 11 जगह संबोधित करेंगे और जो पार्टी कार्यकर्ता है उनसे रणनीति की जो क्रिया है पार्टी की वो साझा करेंगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, जिसकी तैयारी जो प्रदेश से मदद होती की उनके द्वारा और अन्य जो पार्टी के शीर्ष नेता है उत्तराखंड के जो नेतृत्व है उनके द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई है उनके स्वागत के लिए। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद, इंतजार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को हरिद्वार दौरे पर पहुंचने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 16 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 29 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की अगर हम बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 331 पहुंच चुकी है। मालूम हो कि कोरोना को लेकर अब तक राजनीति भी तेज की जा चुकी है, कोरोना का इस्तेमाल अब राजनीति में भी किया जा रहा है। बीजेपी इसके लिए एक अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए बीजेपी स्वयं सेवकों को तैयार करेगी। तो उत्तराखंड से इस वक्त हम आपको कोरोना अपडेट बता रहे हैं कि बीते 24 घंटों में कोरोना के मात्र 16 मरीज उत्तराखंड में पाए गए हैं। वहीं बात हम करें तो इस वक्त कोरोना के काफी सही हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत भी बीते 24 घंटों में देखने को मिली है। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो इस वक्त बीते 24 घंटों की ही अगर हम बात करते हैं तो 29 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विनोद, उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना की ताजा स्थिति क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी अनुष्का, मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 मामले सामने आए हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हुई है। प्रदेश में अभी तक 29 मरीज ठीक भी हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि साथ ही एक्टिव केसों की संख्या लगभग जो है 331 रह गई है। और आपको ये भी बता दूं कि प्रदेश में अभी तक 3,42,688 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 3,28,914 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक प्रदेश में 7,374 लोगों की जान जा चुके हैं। वही आज वैक्सीन की बात करें तो कल जो है 71,402 लोगों को वैक्सीन लगी है। और आपको बता दूं कि अनुष्का कि ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया है, एक मरीज की मौत हुई है। अब तक ब्लैक फंगस से कुल 574 मामले सामने आ चुके हैं और 293 ठीक हुए हैं, जबकि 131 लोगों की मौत हो चुकी है। जी वहीं अगर हम बात करें तो तीसरी लहर को लेकर इस वक्त राज्य सरकार क्या कुछ पुख्ता तैयारियां करती नजर आ रही है? जी अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर पर सुनियोजित नीति से लगाम लगाने वाली धामी सरकार अब तीसरी लहर के लिए भी बेहद सजग है। दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने मुस्तैदी से काम किया है और तीसरी संभावित लहर से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि कोरोना से निपटने के लिए अब सरकार ने बिना मास्क के लगभग जो है 200 से जो है 500 तक जो है जुर्माना वसूल करने पर सरकार विचार करिए। कहीं नहीं कहीं जो है उत्तराखंड में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है कि कहीं तीसरी लहर जो है आठ भी अगर आई तो इसके लिए पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई की जा रही है, अस्पताल जो है उनको तैयार किया जा रहा है। धामी सरकार जो है कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से इस वक्त हम आपको कोरोना अपडेट बता रहे थे, जहां पर बीते 24 घंटों में मात्र 16 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बने गरतांग गली
पर्यटकों के लिए खुलने वाली है। पर्यटकों से कोविड एसओपी का अनुपालन कराने और भैरव घाटी के पास चेक पोस्ट बनाकर क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों का पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के भैरव घाटी के समीप गड़तांग गली में खड़ी चट्टानों को काटकर लकड़ी से निर्मित सीढ़ीदार ट्रैक बनाया गया है। हाल में इस ट्रैक का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। पर्यटकों और ट्रैक की सुरक्षा के लिए एक बार में अधिकतम 10 लोग ही इस पर जा सकेंगे। ट्रैक में झुंड बनाकर आवागमन करने और एक जगह बैठने पर भी पाबंदी होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैक की रेलिंग के नीचे झांकने पर भी पाबंदी लगाई गई है। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण में बागेश्वर जिला प्रदेश में अव्वल है। दावा है कि इस जिले में 18 से अधिक आयु वर्ग के 100% लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि राज्य में अब तक 73% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 23% लोगों को दूसरी डोज लगाकर टीकाकरण पूरा किया जा चुका है। चंपावत के लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फग्याल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं को विधायक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। विधायक पूरन सिंह ने के विकास योजनाओं को लेकर जनता में आने वाले चुनाव के लिए बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक पूरन सिंह ने अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां इस वक्त बौखलाई हुई हैं। हमारी सरकार ने 4 साल में जितना भी विकास किया है, उससे भी ज्यादा विकास हम आने वाले चुनाव को जीतने के बाद भी करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन था, पूरे 85 ग्राम पंचायत जो आ रही थी उनने सभी ने भागीदारी की, 2, 3, 4 जो जिस लायक के था, और एक जो इन 4.5 सालों में हमने विकास किया और वर्तमान में हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, क्या क्या काम कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श हुआ और एक चुनाव का बिगुल भी हमने यहाँ से आज फूका है और अपने कार्यकर्ता को निर्देश दिया है कि जो भी कार्य क्षेत्रीय विधायक और सरकार, केंद्र सरकार ने किए हैं, उनको गाँव-गाँव तक ले जाए और संगठित। समाजवादी पार्टी मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व सीएम ने उन्हें मुलायम यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अरविंद यादव वाजपुर पहुंचे, यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए अरविंद यादव ने बताया कि उत्तराखंड में घर घर जाकर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं अल्मोड़ा के भैंसिया छाना विकास खंड के बेलवाल गांव में आखिरकार सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया। जमराड़ी बैंड से बेलवाल गांव के अस्वीकृत 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण का शुभारंभ अल्मोड़ा विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। सालों से सड़क की आस पूरी होने पर ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय विधायक चौहान का स्वागत किया। गौरतलब है कि भैंसिया छाना विकास खंड के कई गांव आज आजादी के 7 दशक के अधिक समय बीत जाने के बाद भी विकास से अछूते थे। इन्हीं में से एक गांव बेलवाल गांव भी है जहां आज तक सड़क पहुंच नहीं पाई थी। सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को रोजाना 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गांव में बीमार व्यक्ति को भी कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल पहुंचाया जाता था, जिसके बाद आज उन्हें राहत मिलनी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में भैंसिया छाना जो हमारा विकास खंड है, ये हमारी स्वर्गीय गोविंद सिंह बिष्ट जी जो हमारे विधायक भी रहे, जनसंघ के विधायक रहे 1957 में, उनकी जन्मस्थली भी रही है और अपने कार्यकाल में उन्हें बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन तब उसके बाद ये आज़ादी के हम कहें तो इस बार 74 वर्ष हमको हो गए हैं, इस विकास खंड का बहुत ज़्यादा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। और 2017 में माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमको यहाँ चुनाव लेने के लिए आदेश किया और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। आशीर्वाद मिलने के बाद मैं देखा कि सारे गांव में कहीं मोटर मार्ग नहीं है, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी उल्लेखनीय प्रयास नहीं हो पाया है और अनेक हमारे न मोटर मार्ग बन पाए हैं, न स्वास्थ्य से संबंधित कोई मामला हुआ है। तो मुझे दर्द जरूर था, यहाँ की देखो कितनी माताएं बहनें अपना सारा काम छोड़ के आपने देखा यहाँ आई, और छोटी सी रोड है, 3 किलोमीटर चढ़ाई में इनको जाना पड़ता था बेलवाल गांव, और कितना कठिन होता है, कितना कष्ट होता है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, हल जोत करके आया हूँ, इसलिए जब सर में बोझ होता है तो कितना कठिन हमारी समस्या होती है। अपना सांस नहीं ले पाती महिलाएँ अपना उत्पादक को उधर ले जाने के लिए और वहाँ से बाजार ले जाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो
मेरा प्रयास है कि हर गांव में। वहीं चमोली के जोशी मठ में एक बार फिर से भालुओं ने आतंक मचा रखा है। भालुओं ने जोशी मठ नगर क्षेत्र के रवि ग्राम वार्ड में 40 वर्षीय एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि एक हफ्ते के अंदर भालू ने जोशी मठ शहर क्षेत्र में दो लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक महिला भी घायल हो चुकी है, जिस कारण शहर में इस वक्त दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशी मठ शहर को भालुओं ने जंगल में बना दिया है और वन महकमा और प्रशासन इससे पूरी तरह से बेखबर है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारियों को भालू को पकड़ने के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन पिछले 15 दिनों से अभी तक पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। विभाग के अधिकारी स्वयं मान रहे हैं कि नगर क्षेत्र में लगभग 8 से 10 भालू घूम रहे हैं, जिनको पकड़ने में वन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि पिछला अटैक 13 तारीख की शाम को हुआ था और आज उसके ठीक 5 दिन बाद सुबह 10 बजे भालू अटैक करता है, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ शहर के चारों तरफ जो भालू हैं इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन से ज्यादा है और जिसको कि वन विभाग अभी तक पकड़ने में या उसको सूट एंड साइट करने में सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी हमारी रेंजर मैडम से बात हुई तो उनका कहना है कि हम पिंजरा लगाएंगे और भालुओं को पकड़ेंगे, जबकि उनसे पूछा गया कितने पिंजरे लगाएंगे तो उनके पास मात्र एक पिंजरा है और 12 भालू शहर के चारों ओर घूम रहे हैं। हमारे आदेश आ चुके हैं और आज ही हम लोग पिंजरा लगा देंगे। ये दूसरा अटैक था, हम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, रोज रोज अटैक हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम आज ही एक पिंजरा लगा दें और उच्च स्तर में और बात की जाएगी कि जैसे भी जो भी प्रयास होगा हम लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। रुद्रप्रयाग के कई गांव की सड़कें बुरी तरह से इस वक्त क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। भूस्खलन से काश्तकारों की खेती जमीन को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कई घरों में इस वक्त खतरा बना हुआ है। तैलाकुर छोला चौपड़ा मोटर मार्ग पर सफर करना इस वक्त काफी मुश्किल भरा हो चुका है। इस मार्ग पर कुरछोला गांव के निकट भूस्खलन लगातार हो रहा है। मार्ग पर हल्के वाहन जोखिम में चल रहे हैं, भारी वाहनों के लिए मार्ग अवरुद्ध है, जबकि इस मार्ग से चौपड़ा पूलन सिरवाड़ी सहित कई गांव जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां पर सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए तो सड़क पूरी तरह से धस सकती है। इससे पहले कि कोई बड़ी घटना हो, लोक निर्माण विभाग को इसके ट्रीटमेंट का काम शुरू कर देना चाहिए। आप सब लोग देख सकते हैं सड़क की ये दुर्दशा हो रखी है। इस पे रोड वालों की भी गलती काफी है, क्योंकि यहाँ पे जो नाली डालना चाहिए रोड के साइड पे वो भी नहीं डाली है। यहाँ पूरा गांव का जो पानी आ रहा है वो सब यहीं से होके जा रहा है नीचे से। यहाँ पे ये वाला रोड भी, नीचे वाले रोड भी पूरी खतरे में है। यहाँ पे 2-3 परिवार भी हैं, यहाँ पे इनको भी खतरा है। नीचे गौशाला में काफ़ी पानी भरा था, हम लोग सुबह आए जब वहाँ पे देखा था उस टाइम उनके गाय भैंस वहीं अंदर ही थी और पूरा मलमा वहाँ पे जा चुका था। रोड पूरी वहाँ पे 10 दिन के लिए डंप पड़ी हुई थी, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। यहाँ लोगों के, यहाँ पे खेत है जो कि लोगों के आर्थिक स्थिति इसी खेत पे दिनचर्या चल रहा है, वो भी सारे खेत। ऋषिकेश में चोरों के हौसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। चोरों का एक गैंग एक घर में घुस गया और घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को हत्या का दिखाकर घर में मवेशी लेकर वो मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला का कहना है कि वो उन्हीं मवेशियों से अपना घर का पालन पोषण कर रही थी, अगर उन्हें उसके मवेशी वापस नहीं मिले तो वह आत्महत्या कर लेगी। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही आरोपियों को पकड़कर पुलिस टीम भी एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला ऋषिकेश से सामने आया है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों का एक गैंग एक घर में घुस गया और घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को हथियार दिखाकर घर से मवेशी को लेकर फरार हो गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बुजुर्ग महिला का कहना है कि वो अपने मवेशियों से ही अपने घर का पालन पोषण कर रही थी, ऐसे में अगर उसके मवेशी उसे वापस नहीं मिले तो वो आत्महत्या कर लेगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। और इसी बीच उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा ने जारी किए हैं आदेश, प्रदेश में चलने वाली साधारण बसों में भी मिलेगी छूट।
उत्तराखंड सरकार का इस वक्त महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के पर्व पर मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश में चलने वाली साधारण बसों में महिलाओं को छूट दी जाएगी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शुभम, इस वक्त उत्तराखंड सरकार का महिलाओं को एक बेहतरीन तोहफा देखने को मिल रहा है, जिसमें रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को परिवहन में छूट देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जिस तरीके से अब उत्तराखंड सरकार ने एक रक्षाबंधन पे तोहफा दिया है अपनी बहनों को, महिलाओं को, यहाँ पर जिस तरीके से अब जो साधारण बसें उसमें छूट मिलेंगी और साथ ही साथ जो उत्तराखंड परिवहन की विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाली बसें हैं उसमें महिलाओं को जो है टिकट फ्री रहेंगे पूरे रक्षाबंधन के त्यौहार के वक्त। और ये कहीं ना कहीं चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को एक नई सौगात दी गई है। जी जी, तो जिस तरीके से ये पूरा सरकार की तरफ से एक महिलाओं को अच्छा तोहफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में किन परिवहन साधनों में महिलाओं को छूट मिलने वाली है? क्या सिर्फ बसों तक ये सीमित है या फिर ट्रेनों में भी इसको लेकर कुछ सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए? बिल्कुल, आपको बता दूं अभी तक केवल ये बसों के लिए ही है उत्तराखंड परिवहन द्वारा जो है ये निकाला गया है। अभी इसमें ट्रेनों के लिए कोई छूट नहीं, लेकिन जो प्रदेश भर में जो बसें जो विभिन्न क्षेत्रों में जाती है उसके लिए जो है महिलाओं को छूट भी दी जाएगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं टिकट फ्री भी दिए जाएंगे। जी, तो जिस तरीके से शुभम ये घोषणा की गई है महिलाओं को एक अच्छा तोहफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो छूट महिलाओं को दी जा रही है ये कितने दिनों तक सीमित रहने वाली है? जी अभी तक तो ये केवल रक्षाबंधन के लिए, जब रक्षाबंधन जिस दिन त्यौहार का दिन होगा उस दिन महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई बसें जो है दो चार बसें बढ़ाने की भी तैयारी की और साथ ही साथ इसमें बसों में छूट भी दी जाएगी और साथ ही साथ जो बसें बाहर विभिन्न क्षेत्रों में जाती है वहाँ पे उस दिन महिलाओं को टिकट पर राहत भी दी जाएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड सरकार का महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं को तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।